So yesterday we have discussed this organizing process, right? We started with identifying and grouping of the activities, whereby we have to ensure हम लोग identify का पहले explain करना है. We have to make the list of the work to be performed by others. दूसरों से मैंने जो काम करवाना है उसकी list बनानी है, फिर उसे classify करना है. Classification means similar natured work should be grouped in a single group. Homogeneity of the work is to be kept into mind. Then departmentalization, different departments are being made, different heads are being assigned there. We have to inform them about the members who are going to follow their orders. This departmentalization can be on the basis of functions, can be on the basis of geographical area, can be based on the basis of product. When I call, this is my cosmetic department. When I call, this is my footwear department. So product wise, when I call, he is the head of southern region. He is the head of northern. North region का वो क्या है? Manager है. तो in that case, I am talking about geographical area. And when I say he is the head of accounts department, he is the head of sales department, then I am talking about functional. ठीक है, तो function wise भी departmentalization हो सकती है, product wise भी हो सकती है, geographical area wise भी हो सकती है. अब आपने उस head को और उस team member, सारे team members को उसके अंदर जो भी काम कर रहे हैं उनको उनकी duties बतानी है. There should be clarity. There should not be any type of chaos and vagueness when you define the duties. You have to tell them their authority as well as responsibility, and you have to fix the accountability as well. If they are not fulfilling that target, then we have to make them answerable for the non-completion. This is what we call assignment of duties. Then establishing reporting relationship. Superior or subordinate ka ek chart sa banana hai. Mere har subordinate ko pata ho uska boss kaun hai. मेरे हर बॉस को पता हो उसके अंडर कितने लोग काम करेंगे, उसने कितनों को ऑर्डर प्लेस करना है. दिस इज व्हाट वी कॉल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप वी हैव टू एस्टैब्लिश. सो वी हैव जस्ट फोर फंक्शंस ऑफ प्रोसेस, फंक्शंस नहीं, फोर स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. नाउ यू टेल मी, मैं बार बार डेफिनेशन में बात करती हूँ. यू टेल मी, इंपॉर्टेंस उसने लास्ट में स्टार्ट किया, अदरवाइज पहले इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए थी फिर प्रोसेस बताना चाहिए था. यू टेल मी, इज इट इंपॉर्टेंट एवरी टाइम टू ऑर्गेनाइज? मीन्स ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? क्या प्लानिंग के बाद सीधा स्टाफिंग पे नहीं जा सकते थे? यू टेल देम पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. एक एक वर्ड में बोलूंगी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बिजनेस. जब आपके बिजनेस का साइज बढ़ जाता है, मीन्स आप सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप पे जाते हो या पार्टनरशिप से आप कंपनी की फॉर्म कन्वर्ट कर लेते हो, तो बिजनेस का एक बहुत बड़ा साइज हो जाता है. आपके लिए उस बिजनेस को मैनेज करना अकेले पॉसिबल नहीं होता. सो दैट्स व्हाई यू जस्ट एलोकेट द ड्यूटीज, यू जस्ट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू जस्ट असाइन द ड्यूटीज अमंग योर सबॉर्डिनेट्स. सो दैट्स व्हाई जब साइज बढ़ जाता है बिजनेस का, तो ऑर्गेनाइजिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. मींस मेरे के कंसर्न में अगर 1000 बंदा काम कर रहा है ना, तो हर बंदे को अपना ग्रुप पता है. कल मैंने बोला था ना, 1000 बंदा अगर काम कर रहा है और आपने 10 ग्रुप बनाए हैं, तो 100-100 का एक ग्रुप. अगर 100 बंदे काम कर रहे हैं, तो आपने फिर से 10 ग्रुप बनाए हैं, हर ग्रुप में 10-10 बंदे. तो कहीं पे 100 बंदों को मैनेज करना इकट्ठे और कहीं पे 1000 पर्सन को मैनेज करना इकट्ठे, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस. सो इन ऑर्डर टू हैव द मैनेजिंग कैपेसिटी लाइक प्रैक्टिकेबल, फॉर दैट पर्पस वी रन दिस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. एनी अदर पॉइंट यू टेल? यू जस्ट अप्लाई योर माइंड्स. हाँ, ये भी पता चल जाए किसने कौन सा काम करना है. एवरीबडी विल कम टू नो अबाउट हिज और हर ड्यूटीज. Everybody will come to know about his or her responsibilities. ठीक है, anything else? बिल्कुल ठीक है, properly काम हो जाएगा, goal भी achieve हो जाएंगे. Planning की importance भी यही है, objective achieve हो जाएंगे. Yes, be quiet. Open your book. Planning का भी यही था, हर management के function का एक importance का point तो है, ये helps to achieve the objective. Effectively as well as efficiently, कोई भी time waste नहीं होगा, क्योंकि हर बंदे को अपने काम के बारे में clarity है. और जब मैंने काम को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मैंने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया. इट मींस कि एवरीबॉडी विल बी शोइंग इंटरेस्ट इन दैट वेरी वर्क. दे विल नॉट बी टेकिंग दैट वर्क एज बोर्डम, दे विल बी लाइकिंग द थिंग्स. अगर मान लो वो ट्रेंड नहीं भी है, तो हम उन्हें पहले ट्रेनिंग देके उन्हें ट्रेंड कर लेते हैं, उन्हें स्किलफुल बनाते हैं. देन इट बिकम्स इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड दे विल बी पुटिंग देयर बेस्ट, राइट? सो लाइक दैट वे यू हैव टू एलेबोरेट द पॉइंट्स. मैं इंपॉर्टेंस का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, दैट आल्सो आई विल रीड, सो दैट यू कैन कम टू नो कि उस पॉइंट पैराग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है विच कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू. एनसीईआरटी बुक नहीं लेके आए बेटा जी? ना आप अकाउंट्स लेके आए, ना आप एनसीईआरटी लेके आए. कल से दोनों बुक्स होंगी. जब कभी भी आप आओगे ना, कल आते हो या नहीं आते,
जब कभी भी आप दोनों आओगे बुक्स लेके आना दोनों, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कैन पेव द वे फॉर द स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ इंटरप्राइज इन अकॉर्डेंस विद द डायनामिक बिजनेस एनवायरमेंट। कहता सबको पता है कि हमारा बिजनेस एनवायरमेंट लगातार चेंज होता रहता है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन आप अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका जो चेंज वाला ट्रांजिशन का मतलब है जो भी चेंजिंग फेज है वो स्मूथली या स्मूथ वे से आप कवर कर लो। अदरवाइज चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर अस टू अडैप्ट। लेकिन ऑर्गेनाइज, मैं इसकी एग्जांपल पहले देती हूँ। मैंने अभी बोला 100 बंदे काम कर रहे हैं और उन 100 बंदों को मैंने 10-10 के ग्रुप में बांट दिया और 10 ग्रुप बन गए, 10 ग्रुप्स कंप्राइजिंग 10 एम्प्लॉइज ईच, 10 मेंबर्स ईच, ठीक है। और उन 10 मेंबर्स में से एक हेड है, बाकी 9 मेंबर्स है। कल भी ये बात करी थी। अब कहीं पे 100 बंदों को इकट्ठे बताना कि हम एक इंपोर्टेड मशीन लेके आ रहे हैं, आप सबको उसी पे काम करना होगा, नई मशीन है, दे मे प्रोटेस्ट। 100 के 100 बंदे जब मिलके खड़े होंगे तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो नहीं मानेंगे, वो दे वांट कि हमें पुरानी मशीन ही ठीक है, हमें वो चलानी आती है, वी आर ओके विद दैट। बट यू वांट टू ब्रिंग दैट चेंज, और आपने 10 ग्रुप बनाए हैं, हर 10 बंदों में एक क्या है, उनका लीडर है, तो हर लीडर अपने टीम के 9 बंदों को तो इजिली समझा सकता है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग के कारण अडेप्टेशन टू चेंज बिकम्स इजी, बिकॉज यू हैव द ग्रुप्स, यू हैव द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट हेड की मैंने ड्यूटी लगा दी, तो उन्हें अपने सारे बंदों को समझा देना, एंड इट इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड बेनिफिट फॉर देम। ये उनके लिए भी बेनिफिट होगा क्योंकि इंपोर्टेड मशीन है, सोफिस्टिकेटेड मशीन है, पहले से बढ़िया प्रोडक्शन होगी, हमारा सामान ज्यादा बिकेगा, अच्छी क्वालिटी का सामान बनेगा, वी विल बी गेनिंग मोर एंड देयर सैलरी कैन ऑल्सो बी इंक्रीज, दे विल गेट द बोनस एटसेट्रा। तो लाइक दैट वे यू नीड टू कन्विंस कहीं पे पूरे ग्रुप को। आई तो टुक वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉल कंसर्न, हैड इट बीन 10,000 एम्प्लॉइज इन अ कंसर्न तो सड़कों पे खड़े हो जाते, भूख हड़ताल कर देते। लेकिन हर डिपार्टमेंट में क्योंकि 100 बंदा है, 100 बंदों को समझाना मेरे मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए इजी रहता है। सो ऑर्गेनाइजिंग ऑलवेज हेल्प्स टू ब्रिंग द अडैप्टेशन टू चेंज। आप उस चेंज को इजीली अडैप्ट कर लेते हो, उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में आपके डिपार्टमेंटल हेड आपके साथ फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में आते हैं। सो दीज आर द मीनिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट 4 लाइन्स। देन ही सेज सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मेनली अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट that it helps in survival and growth of an enterprise. Had my organizing be on a very small scale like a sole proprietorship, will I be dividing any duty? I am the sole owner of my business in that case. I don't have any attendant. Agar hai bhi to ek hi attendant maine rakha hai. Usko pata hai uski kya duties hai. Iske ilawa aur koi mere saath hai hi nahi kaam karne ko. Because the business is on a very very small scale. So organizing becomes very important when your size of the business increases. In that case, the number of activities to be handled also increase. For that purpose, you have to divide that activities, you have to fix the responsibilities, you have to tell them their duties. So, jab business ka size badh jata hai, jab business mein growth hoti hai, jab business ki expansion hoti hai, tab organizing aur bhi important ho jati hai. And it equips the organization to meet various challenges. Jab business ka size badhta hai, will we be facing any type of challenge? Jab business ka size badhta hai, will we be facing any type of challenge? बिजनेस का साइज बढ़ा, मैंने पैसा बहुत ज्यादा लगाया, मैंने नई मशीनें लगाई, मैंने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी, मैंने नए बंदों को हायर किया, अगर फिर वो फ्लॉप हो जाए तो मेरे को तो बहुत ज्यादा रिस्क है उसके इसमें। तो ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से आप हर बंदे को बता देते हो, वी आर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ बिजनेस, वी वॉन्ट द सेल शुड बी इंक्रीज बाई 50%, सो वी टूवर्ड द टारगेट टू ईच एंड एवरी वर्कर वर्किंग इन आर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन चैलेंजेस को आप स्मूथली हैंडल कर लेते हो वंस यू आर एंगेजिंग योर सेल्फ इन ऑर्गेनाइजिंग। In order for any business enterprise to perform tasks and successfully meet goals, the organizing function must be properly performed. अगर आप चाहते हैं कि आपकी organization में सारे task time पे complete हो जाएं, सारे goals successfully achieve हो जाएं, तो आपको organizing function appropriately क्या करना होगा, handle करना होगा। Even then he says we have the following points of importance which will be highlighting the significance of organizing in our concern. First point padho chalo. Yes, who will tell me benefits of specialization? Maine bataya hua hai, maine function mein hi bata diya tha jab process kiya tha. Benefits, first point of importance is, importance ke point kar rahe hain, benefits of specialization. Who will tell? बिल्कुल ठीक है, जो बंदा रिपीटेड टास्क करेगा वो तो स्पेशलिस्ट हो ही जाएगा, प्लस
हमने काम ही उस बंदे को दिया who is interested in that. We just divided the workload between or among those workers who are expert in that field. मान लो नहीं भी expert हैं तो हम पहले उन्हें training देके expert बनाते हैं, तो they get the specialization and once they are doing the repeated task again and again, they will get definitely specialization and it is the benefit of you just imagine if the person is not having interest in a particular job, like he did his MBA in finance and you just make him the manager of your marketing department. Uska finance mein interest hai, aap usse marketing department di ja rahe. Will he be able to justify with the job? No. So specialization is always being followed in case of what? Organizing. Jab kabhi bhi aapne duties kya karni hai, divide karni hai, aapne unka specialization ka criteria mind mein zarur rakhna hai. Dekho kya likha usne. Organizing leads to a systematic. What is the meaning of system? अगर मैं word लिखूं allocation of job और फिर मैं second word उसके आगे prefix लगा दूं systematic allocation of job. What is the difference between these two terms? I'm just writing allocation of jobs. फिर मैं I am using a prefix systematic allocation of job. दोनों में difference है क्या? मैं इसके साथ ये लगा. स्कूल में बच्चों ने आना शुरू किया COVID-19 के बाद, हमने उन्हें बिठा दिया क्लासेस में, हमने उनको उनके स्ट्रीम वाइज बिठाया. फर्क है ना दोनों में? स्ट्रीम वाइज बिठाया मींस जो जिस सेक्शन का बच्चा था उसे उसके सेक्शन में ही बिठाया. ठीक है, कॉमर्स के साथ मेडिकल को नहीं बिठाया, मेडिकल के साथ नॉन मेडिकल को नहीं बिठाया. जो भी स्ट्रीम था उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वी जस्ट एलोकेटेड द रूम्स टू देम. सो दिस इज व्हाट सिस्टमैटिक एलोकेशन. So what is the meaning of systematic allocation of jobs here? Whosoever is expert in the field, he has been allocated that field only. He has been allocated that job only. जो जिसमें सक्षम था, जो जिसमें expert था, जो जिसमें skillful था या skilled था, आपने वो job उसे ही दी. ठीक है, so that they can justify with the work. This is the meaning of systematic allocation of jobs among the workforce. What is the meaning of workforce here? Employees, group of employees is named as what? Workforce. Good. This reduces the workload as well as enhances the productivity because of the specific workers performing a specific task on a regular basis. कहता जब आप systematic allocation करते हो तो किसी भी बंदे को workload ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप अपने interest का काम करते हो you never feel burden because you तो enjoy that work और आपको लगता है मेरा ही field का ही तो काम है, मेरे को ही तो करना है. You start enjoying it. तो उस केस में आपका वर्कलोड कभी नहीं बढ़ेगा. और वही काम जब आप बार बार करते हो आप और ज्यादा उसमें स्पेशलिस्ट हो जाते हो, आप और ज्यादा उसमें ट्रेंड हो जाते हो क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप वो काम कर रहे हो. रिपीटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क अलाउज अ वर्कर टू गेन एक्सपीरियंस इन दैट एरिया एंड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. रिपीट ही करी लाइन. बार बार आप वो काम कर रहे हो तो आपको उसमें महारत हासिल हो जाती है, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, तो डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन की तरफ वी लीड इट. ठीक है, मींस मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसा बस्टर नहीं होगा जिसको उस काम के बारे में जो काम उसे दिया गया उसको ना पता. वी एलोकेटेड दैट वर्क और धीरे धीरे हमने उन्हें एक्सपर्ट बना दिया. मान लो पहले वो अनाड़ी थे, दे वर नॉट ट्रेन इन दैट फील्ड, बट वी गेव देम ट्रेनिंग ना, हमने उन्हें ट्रेनिंग दी. क्योंकि सिस्टमैटिक का मतलब ही है इफ दे आर ट्रेंड एलोकेट देम दैट वर्क ओनली, इफ दे आर नॉट ट्रेंड बिफोर एलोकेटिंग द वर्क जस्ट ट्रेन देम. ठीक है, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? Fit the square pegs in the square mold. Fit the round pegs in the round molds. अगर मेरी ग्लास की शेप राउंड है और उसे मैं स्क्वायर में फिट करना चाहूं, स्क्वायर मोल्ड में और सांचे में, क्या वो फिट होगा? नो, गिर जाएगा, टूट जाएगा कांच का गिलास. मैंने क्या लाइन बोली? राउंड बॉटल्स कैन ओनली बी फिक्स इन द राउंड मोल्ड्स एंड स्क्वायर बॉटल्स कैन ओनली बी फिक्स इन द स्क्वायर मोल्ड्स. मीन्स प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. जो जहां पे चीज होनी चाहिए उसे वहीं पे रखना है. Things are to be placed at the right places. ठीक है, और हर चीज की एक right place भी है. हमें पता है वो चीज हमने कहाँ रखी है, हम वहीं पे ढूंढेंगे. अंधेरे में भी टॉर्च की भी जरूरत नहीं है. In the darkness even I can find it because I am following the principle of order. ठीक है, and once you are allocating the work, तो principle of things भी होता है. Principle of order is applied to the things as well as to the people. आपने उन बंदों को वही काम दिया जिसमें वो क्या है? Expert है. Yes, अगला भी आप बताओगे. सेकेंड बेनिफिट और सेकेंड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस, क्लैरिटी ऑफ विच रिलेशनशिप. इट कैन बी वर्किंग रिलेशनशिप, इट कैन बी और कौन सा रिलेशनशिप इसे बोला था, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. इट कैन बी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. एक ही बात, वो बार बार वर्ड रिलेशनशिप की बात करता है. क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, व्हाट इट मींस, बताया था कल भी.
What is the meaning of working relationship? नहीं, हमें ये पता है कौन किसका बॉस है और कौन किसका सबॉर्डिनेट है. That is working relationship. Everyone knows about his boss. Every boss knows about his team. This is what working relationship. ठीक है, बॉस को पता है मेरे को किसको ऑर्डर देना है. Employees को पता है हमें ऑर्डर कौन दे सकता है और किसको मेरे को यस बॉस कहना है, किसको मैंने नो कहना है. I am the member of my sales department. I will definitely be following the order of my sales manager. But I can say no to the production manager because I am not his team member. This is the way. So this is possible. And everyone is having a clear cut idea about his team. Har bande ko apni position ke baare mein pata hai. Har bande ko apni job ke baare mein pata hai. Har bande ko apni designation pata hai. Ki main middle level ka banda hoon ke top level ka ke lower level ka. अपनी डेसिग्नेशन के बारे में भी आपको पता है, राइट? दिस इज व्हाट वी कॉल क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. पढ़ो जी क्या लिखा. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशन क्लैरिफाइज द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन. वन वर्ड ही हैज यूज्ड, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन. किस चीज के साथ इसे रिलेट करोगे? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड व्यूज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो हमारे ये वर्किंग रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन कैसे होगा? लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विल ऑलवेज कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम. कौन किसको सर्कुलर भेजेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा? टॉप मिडल को देगा और मिडल आगे लोअर को देगा. सो देयर इज अ ग्रेट क्लैरिटी, ठीक है, अबाउट व्हाट, टू होम आई नीड टू कम्युनिकेट, टू होम आई हैव टू ऑर्डर. दिस इज व्हाट वी कॉल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन. हमारी क्लियर कट होंगी. दिस रिमूव्स एम्बिजिटी. एम्बिजिटी मीन्स एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन. किसी के माइंड में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और कोई ये नहीं बोलेगा मेरे को तो पता ही नहीं चला, मेरे को बताया ही नहीं. हमारे पास इस बात का प्रूफ है. जब हमने सर्कुलर सेंड किया प्री कोविड इरा में, वी यूज टू गेट द सर्कुलर इन आवर क्लासेस एंड वी यूज टू पुट द साइन ना. और कभी छुट्टी का कोई सर्कुलर आ रहा है तो वी यूज टू अनाउंस इन द क्लास. कल को हम ये नहीं कह सकते हमें तो पता ही नहीं चला इसलिए मैंने बच्चों को बताया नहीं. दे यूज टू सेंड द सर्कुलर विद द नेम्स ऑफ द टीचर, राइट? द टीचर इज सपोज टू पुट द साइन ओवर देयर. सो इन दैट केस देयर इज नो कंफ्यूजन टू एनीवन. सेम इज हियर विद ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि सब कुछ सबको बताया गया. किसी के माइंड में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिली है और कौन सी नहीं मिली. बिकॉज वी कम्युनिकेट एवरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू एवरी एम्प्लॉय ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप. सेल्स मैनेजर को बोला कि तूने 20% इस साल सेल बढ़ानी है, उसने अपने 9 के 9 बंदों को बता दिया और सारे बंदों को उसने कर दिया कि यू हैव टू यूज देयर फुलेस्ट एनर्जी. Then only we can achieve this much target which our top management expect from us. This is what we call transmission of information. ठीक है, top management ने departmental head को बताया, आगे head की duty अपने members को बताना ना. That is what we call lines of communication is being followed. It helps in creating a hierarchical order. Hierarchical order बार बार वो बात करता है, वही top level management, then middle level management, then lower level management. This is what we call hierarchical level which comes from top to bottom. ठीक है, which is a pyramid of our levels of management. In the very first chapter we have discussed about this pyramid, right? ये जो छोटा सा है top का है, फिर थोड़ा सा broad हो जाता है middle और last में आके हमारा low level management बहुत ज्यादा broad हो जाता है. It helps in creating a hierarchical order, thereby enabling the fixation of responsibility. हर level को अपनी जिम्मेवारी के बारे में पता है, हर level को अपनी responsibility पता है, हर level को अपनी authority पता है. So in that way, we are clear enough for establishing working relationship. So this is a point of importance of organizing. You just imagine if organizing is not there, how can I come to know about my position? As the organizing is very much there in the school, so I am at the middle level, bhai. Because top level comprises principal and management. So we all teachers are at middle level. Am I right? So this is what designation will tell me. And designation, kisme allocate kiye jaate hain? In our organizing process. So organizing process is not meant only for the profit making organizations, or you can say for the business houses. Even for an educational institution, organizing is there. Even in your civil hospital, organizing is there. CMO hai, for different doctors hai, different unke departments sune de rakhe hai, koi physician hai, koi surgeon hai, koi child specialist hai, koi ENT hai. So we allocated the rooms to them for the diagnosis of different patients who visit to them. So everywhere we find what organizing in one way or another. Do you find organizing at your home? How? Are you following organizing or are you organized? Let me discuss it. When you will go back home, you will throw shoes here, socks there, your uniform, you will just spread over the bed.
अगर ऐसी सिचुएशन है तो विल योर रूम विल बी ऑर्गेनाइज्ड? नो. सो इफ यू पुट योर शूज इन शू रैक, यू कीप योर यूनिफॉर्म ईदर इन द लॉन्ड्री बास्केट और यू कीप इन द योर वार्डरोब, देन ओनली इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड. इट मींस कि कहीं ना कहीं मेरी डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस है. तो व्हाई नॉट इन माय बिजनेस हाउस, बिकॉज दैट इज बीइंग ऑपरेटेड ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल. इज एनी ऑर्गेनाइजिंग देयर इन आवर क्लास? यस, एवरी डेस्क इज बीइंग अरेंज्ड. ठीक है, इफ द ऑर्डर टीचर गॉट एन ऑर्डर टू कवर दीज चार्ट्स टू बी गेट इट डन फ्रॉम यू पीपल, एवरीथिंग इज एट देयर अप्रोप्रिएट प्लेस. ठीक है, चॉक्स हर बेंच में बिखरे तो नहीं ना पड़े, ब्लैक बोर्ड के पास है ना. If the books are lying in library and chalk and dusters and blackboard is fixed in the classroom, it is an example of organizing. If reverse happen, chalk, dusters and attendance registers are lying in the library and books are separate in the classroom and there is no space for the children to sit, it means ki there is no organizing. ठीक बोली ना मैंने example? Books की जगह कहाँ पे है? Library में है for reading purpose. और classroom में use होने वाला material classroom में होना चाहिए. If reverse will happen, it means ki there is no organizing. राइट, सो एवरीवेयर वी फाइंड ऑर्गेनाइजिंग. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्लासेस में बिखरे हुए हैं, हमारे स्पोर्ट्स हॉल में ही है. ठीक है, तो वेयर एवर वी वॉन्ट द थिंग्स शुड बी देयर ओनली वी प्लेस द थिंग्स. दिस इज वॉट वी कॉल वी आर फॉलोइंग ऑर्गेनाइजिंग. यस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हाउ कम? ही सेज विद ऑर्गेनाइजिंग देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. हाउ कम? रिलेट करो पॉइंट को. Optimum utilization, meaning मैंने बता दिया optimum utilization का मतलब है wastage नहीं होगी, result appropriate निकलेंगे. How come? बोलो. जब कोई अनाड़ी बंदा काम करेगा वो wastage ज्यादा करेगा in comparison to a skilled person. तो यहां पे क्या है, अनाड़ी को मैंने काम दिया कोई करने को, मैंने उस अनाड़ी को भी skilled बनाया, मैंने उसे भी training दी, तो मैंने काम को एलोकेट किया. वंस द ट्रेन्ड पर्सन्स आर डूइंग द जॉब, व्हेन द स्किलफुल पर्सन्स आर डूइंग द जॉब, देयर विल बी नो वेस्टेज एट ऑल, बिकॉज़ दे आर तो एंजॉयिंग द वर्क एंड दे आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. ठीक है, कोई नया वर्कर आया है, पहली बार आपने उसे मशीन चलाने को दे दी है, उसका हाथ ही बीच में फंस गया, ही इज नॉट एबल टू स्विच ऑफ द मशीन प्रॉपरली, उसे ना ऑन करना आता है, ही गॉट इंजरी बिकॉज ही वॉज नॉट ट्रेन्ड. दैट्स वाई इट ऑलवेज बिकम्स असेंशियल टू गिव द ट्रेनिंग टू द वर्कर्स ऑफ लाइक न्यू अपॉइंटीज. Should always be trained beforehand, then only we will be allocating the job to them. This is what we call optimum utilization of resources, and that is going to be possible only with the help of organizing. Any other point? How optimum utilization can be ensured? Trained worker to chalo wastage kam karega. Anything else from your side? Or optimum utilization ka kya hota hai? Kam cost laga ke jyada benefit lena, wo bhi to optimum utilization hai. Jab wastage kam hogi to cost of production bhi kam hogi. ठीक है, आप सेलिंग प्राइस कम फिक्स करोगे, सस्ते में अच्छी किस्म का सामान बेचोगे, कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आपका सामान ही ज्यादा बिकेगा भाई, तो डेफिनेटली प्रॉफिट ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगी. तो यू कैन रिलेट इट एनी वे, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बिकॉज यू आर नॉट एलोकेटिंग द जॉब ब्लाइंडली, इरेशनली आप काम नहीं कर रहे हो, आप सोच समझ के काम कर रहे हो. कार्तिक टोल्ड हिम देयर आर 5 मिनट्स, ही आस्क्ड, इसका मतलब ये होता है ना, 4 मिनट्स, now 3 and a half. Okay. So let me complete this point, then I will stop. Organizing leads to the proper use of all material. जो भी material आपके disposal पे है, आपने उसे waste नहीं करना. Resources कौन-कौन से होते हैं? Finance. Finance is never unlimited with us. Had it been grown on the trees, so everybody will be wasting it. है ना? जैसे ऑक्सीजन हम सब वेस्ट कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं एरिया को. Had it been grown on the trees, but it has never been grown on the trees. We have to earn, we have to serve for it. तो कहता financial resources हो, चाहे monetary resources हो, चाहे physical resources हो, कोई भी resource हमारे disposal पे unlimited नहीं है. All are in scarcity. ठीक है, तो money, material, machinery, all things are to be handled carefully. Even human resources are also are important. ऐसे how human resource can be optimally utilized? चलो, let me tell you. He says material should be optimally utilized, means waste should be less. How the human resources can be optimally utilized? Jo banda jisme expert hai, jab wahi kaam diya to optimum utilization hai. Theek hai, MBA pass bande ko agar aap clerk bana dete hain ya PN bana dete hain to wastage of resources hai bhai. Jis cheez mein uska caliber hai, aapne wo kaam to karne ko nahi diya,
Will it be justified जब MBA पास बंदे को क्लर्क बनाएंगे? No. He deserves the post of manager. And you are making him manager in your concern. It means कि you are optimally utilizing your human resource as well. आप उन्हें ट्रेनिंग भी देते हो. अगर उसे कुछ नया सिखाना है तो आप 15-20 दिन उन्हें ट्रेन करते हो ताकि वो नए वर्क कल्चर में अपने आप को अडेप्ट कर सके. सो दिस इज द फंडा. तो प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा. हर बंदे को अपना काम पता है. अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन. जब कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं है मींस हर बंदे को अपने काम के बारे में पता है. कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. हमारे रिसोर्सेज और एफर्ट to the minimum extent will be wasted. Rather, there will be no wasting. कोई भी wastage नहीं होगी, चाहे वो physical resources है, चाहे वो human resources है. Will you agree with this fact? Optimum utilization can be ensured with organizing. Because we are, देखो, जब मैंने बोला कि there is a principle of order. जब मैं store room में जाती हूँ, तो भारी सामान मैंने shelf में नीचे रखा है, और हल्का सामान मैंने ऊपर रखा है. अगर मैं भारी ऊपर रखती, गिरने के कारण नीचे वाला लाइट वेटेड सामान भी दब जाता और वो भी खराब हो जाता. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड वी आर फॉलोइंग इन आवर स्टोर रूम. वो भी ऑर्गेनाइजिंग है. अगर मैं स्टोर रूम में जा रही हूँ, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कुछ मेरे पैरों के तले दबके खराब हो जाता है, भारी सामान मैं ऊपर से उठाती हूँ, मेरे हाथों से निकल जाता है, वो नीचे गिर जाता है, लाइट वेट सामान भी खराब हो जाता है. इफ ऑर्गेनाइजिंग इज मिसिंग इन एनी सफेयर, यू विल सफर अलॉन. So that's why he says, in order to have optimum utilization of resources, organizing helps us a lot. So these are the three points we discussed in detail. Rest of the things we will continue tomorrow.